आलू की कोड़ाई करने से पहले किसान कंदों की सही अवस्था की जांच जरूर कर लें। इसके लिए एक तो पौधे उखाड़ कर देखें। अगर कंद परिपक्व हो गया है तो इससे लगी जड़ें सूख गई होंगी। अब कंद को उंगली से रगड़कर उसका छिलका छुड़ाने की कोशिश करें। अगर छिलका आसानी से नहीं छिल रहा हो तो समझे कि फसल कोड़ाई के लिए तैयार है। अगर छिलका आसानी से उतर रहा है तो कोड़ाई न करें और फसल को कुछ दिन और ऐसे ही छोड़कर कंदों को ठीक से पकने दें। अगर किसान इन बातों का ध्यान रखकर इनका पालन करें तो वे अपने घर पर भी आलू को ज़्यादा समय तक रख सकेंगे। छिलके मोटे होने और कंदों की पूरी तरह पक जाने के कारण आलू में से नमी का नुकसान कम होता है और वो बाद में सिकुड़कर झुर्रीदार नहीं होंगे या समय से पहले अंकुरित नहीं होंगे और स्टोर करने में समय पर वजन में भी ज़्यादा कमी नहीं आएगी। ऐसे कंद रोग के कारण नहीं के बराबर या बहुत कम सड़ेंगे। इस प्रक्रिया का पालन करने से कोल्ड स्टोर में रखे गए आलू के बीज भी अच्छे और सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार आप भी अपने आलू के फसल में आलू के कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया कर इसके उपज की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आलू के कोड़ाई और उसके बाद की प्रक्रिया कैसे किया जाता है। तब तक आप सभी किसान अपने आलू के कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया कीजिएगा। आलू के कोड़ाई से पूर्व की कुछ आसान सी प्रक्रियाओं को अपनाकर हम अपनी फसल की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं।